अगले साल 9 से 11 जनवरी 2023 को इंदौर में GIS आयोजित होनी है। इस समिट को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान देश विदेश के उद्योगपतियों के साथ मैराथन बैठकें कर रहे हैं। आज सुबह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने GIS समिट के संबंध में USA के उद्योगपतियों और फ्रेंड्स ऑफ MP से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। सीएम के साथ हुई VC में उद्योगपति जितेंद्र मुछाल, राकेश भार्गव, पुनीत सिंघल, अभिद नीमचवाला, अमित भंडारी, सुनील नायक, सुधीर पारिक, हेमा समेत कई बिजनेसमैन जुड़े। सीएम ने उद्योगपतियों को बताया, मध्य प्रदेश में प्राकृतिक संपदा भरपूर है और बिजली, सड़क, पानी सहित उद्योगों के लिए समस्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश पावर सरप्लस राज्य है। हम मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगा रहे हैं। फार्मा सेक्टर में मध्य प्रदेश ने बहुत बेहतर काम किया है और लगातार इस सेक्टर पर हम फोकस कर रहे हैं। सीएम ने वर्चुअल मीटिंग में कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है। पहले चंबल में जहां डाकू थे, वहीं अब हम वहां अटल प्रोग्रेस में बना रहे हैं। आप सभी निवेशक मित्रों का मध्य प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आप पधारिए, आप मध्य प्रदेश घूमने भी आइए, आपका स्वागत है। सीएम ने कहा कि निवेश के लिए जो चीजें चाहिए वह सारी मध्य प्रदेश में है। हमारे पास 1.5 लाख हेक्टेयर का लैंड बैंक है, जमीन की कोई कमी नहीं है। मध्य प्रदेश इन्वेस्ट फ्रेंडली प्रदेश है। निवेशकों की राह में जो भी बाधाएं आती हैं उन्हें दूर करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है, लेपर्ड स्टेट है और अब हम चीता स्टेट भी हो गए हैं। मध्य प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट्स के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अनेक कंपनियां यहां काम कर रही हैं। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश भारत का सबसे तेजी से बढ़ने वाला प्रदेश है। हम देश के दिल हैं, देश के मध्य में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश वन संपदा, खनिज संपदा, जल संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। हम टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट, वल्चर स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी हो गए हैं। मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। सीएम ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री के नाते और पूरी टीम लगातार प्रयत्न कर रही है। हम कृषि में देश में नंबर वन है। पिछले 4-5 वर्षों में चाहे पंजाब से हो, साउथ से हो, जितनी बड़ी रेडीमेड गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स क्षेत्र की कंपनियां तेजी से मध्य प्रदेश में आ रही हैं। मैं ये मानता हूं कि जो हमारी इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी के कारण लोग यहां निवेश कर रहे हैं। मुझे बता दूं, प्रसन्नता है कि पिछले 4-5 वर्षों में चाहे पंजाब से हो या साउथ से हो, कर्नाटक से, त्रिपुर से, जितनी बड़ी रेडीमेड गारमेंट्स की अलग अलग कंपनीज है, टेक्सटाइल के क्षेत्र की कंपनीज है, पंजाब से भी सारी मध्य प्रदेश आई है। वो वर्धमान हो, ट्राइडेंट हो, अलग अलग अनेकों ग्रुप, त्रिपुर की भी जो यूनिट्स है वो काफी तेजी से मध्य प्रदेश में आ रही है। और इसलिए हम इसको, फिर हमारा एक्सपोर्ट यूएसए को भी काफी हो रहा है गारमेंट्स के सेक्टर में, टेक्सटाइल के सेक्टर में। मैं ये मानता हूं कि जो पॉलिसीज है हमारी, बाकी विशेषता मैंने बताई, जमीन की उपलब्धता से लेकर, पावर की उपलब्धता से लेकर, उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सबसे लिबरल और इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी के कारण लोग यहां निवेश कर रहे हैं। भारत के तो कई कंपनियां आ ही रही है, हमारे USA के मित्र भी यहां निवेश कर सकते हैं। विस्तार से पॉलिसीज के बारे में हम आपको पेन ड्राइव भी भेजते हैं और जब आप यहां आएंगे तब हम विस्तार से चर्चा करेंगे।